मैं धन्यवाद करता पहला मानयोग अदालत का जिन्हां ने बिल्कुल सच्चाई का साथ देंदे हुए एक बिल्कुल जिहड़ा एक असी बेगुनाह बंदे सीगे सानू गुनाहां दे घेरे चों कढ के उन्होंने अज इंसाफ दिता जज साहिबां ने। और मैं धन्यवाद करता पहला कोर्ट का क्योंकि साडी आस्था कचहरियां जी हुंदियां जदों बंदे नूं बेइंसाफी कितों मिले। उस तहत 2015 दे विच एक जदों मैं कांग्रेस जिला प्रधान सीगा उदों एक ट्रेन रोको अंदोलन होया सीगा जिस मैं सीगा भी नहीं, पर उदों दे जिहड़े मेरे कुलीग सीगे मेरे विरोधी सीगे उन्होंने मेरा नाम लिखा के गुरप्रीत गोगी ने यह जिहड़ी ट्रेन आ शताब्दी रोकी है उस तहत दे उत्ते एक मेरे ते कल्ले ते केस होया सीगा ट्रेन रोकण दा जो कि अज मानयोग अदालत ने मैनू बरी कर दिता। मैं धन्यवाद करदा कि भी 8 साल की घालना घल के। और मैं धन्यवाद करदा खासकर अपने वकील साहब का रत मल्होत्रा जी और इन्हां दी सारी डायनामिक टीम जिन्हां ने पूरे वधिया तरीके नाल बहस करके अपनियां दलीलां जो अदालत ने सुनियां और सुन के वो दलीलां नूं अमल च लिया के क्योंकि सच्चियां दलीलां दित्तियां सीगियां एक इंसाफ लैण वालियां दलीलां सीगियां जो कि साडे नाल बेइंसाफी होई सी उहदे तहत इन्हां ने अपना बाखूबी बहुत वधिया रोल अदा किया। मैं अपने धन्यवाद करता अपने बाकियां दा नाम क्यों नहीं आया जदों सारे धरने ते खास चीज़ दिखाने खास चीज़ दिखाने और दियो जी जी तुसी इत्थे ही देख लो अखबार की कटिंग है जी 13 मई 2000 13 मई 2015 इंजन ते कौन चढ़िया होया जरा पछाण दियो जी किहदी फोटो आ झंडा लैके खड़े जी हाँ जी सर तुसी दस दो कौन ने नहीं तुसी बोलो रवनीत बिट्टू और इन्हां दी सारी टीम भारत भूषण आशु बाकी सारे MLA कि गोगी कल्ला ही गामा भलवान सीगा भी जिन्हें रेल गड्डी रोकती इन्ना कट्ठ इन्ना सारा कुछ कित मेरी फोटो नहीं कित कुछ नहीं मेरी तो पहले स्पाइन टुटी हुई है मैं एक नाल स्टिक दे नाल मैं चलदा ते चलदी शताब्दी रोकनी एक कल्ले दे वास दी गल हैगी तां दस दिओ वो भी जिहड़ा जिहदी थोड़ी जी प्रॉब्लम फिजिकली प्रॉब्लम च होवां मैनूं बताओ एड्डी बेइंसाफी पूरा सियासत का शिकार होया मैं अपने हाँ हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था लुटन की कोशिश की थी पर वो मेरे परवरदिगार परमात्मा ने मैंने बचाया आज विधानसभा बैठे हैं लोगों के जो हैवी मैंडेट सानू दिता उन्होंने बिल्कुल जो इदा दी अपने बंद घर बैठे उन्होंने झूठे इल्जाम ला के आप तुसी पाक होकर निकलन की कोशिश करो और दूजे तुसी बेगुनाहों गुनाहगार बना के कचहरिया कटहरे खड़ा कर दो जिथे अपनी अच्छ सफाइया देंद मैं 8 साल हो गए 8 साल लगातार मैं तरीकों भुगतियां ने हर 15 दिन बाद मेरी तरीक होंगी सी दसो कि मेरे नाल आके खड़ा इन्हों एक इस करके बड़े इन्हों वास्ते बड़ी शर्म की गल और मैं धन्यवाद करदा अपने सारे लोगों का जिन्हों के सहयोग सदका अच्छे बहुत वीड्डी जित हुई है और मेरे परिवार को राहत मिली इस चीज़। सानू पहले दिन तो ही पता सीगा कि मानयोग अदालत विच बेगुनाही नू राहत मिलेगी ते असी कोई गुनाह नहीं किता इंसाफ दे रस्ते चले और कोर्ट अगे भी उही फरियाद कीती उही दलीलां दित्तियां कि जिहड़े गवाह इन्हां ने कराए उन्हां तो किते भी साडा ना कोई रोल ते ना कोई साडा एक्शन साडा सामने आया ते ओह चीज़ां नू देखदे होए मानयोग अदालत ने सानू बाइज्जत बरी किया और एक वड्डी राहत दित्ती और यह दिखाया कि अंत सच्चाई की जित होनी ही होनी है। वह गिरफ्तारी हुई सी और उस वेले नाल दी नाल जमानत हो गई सी क्योंकि बेलेवल ऑफेंस सीगा सो एज़ पर दी लॉ उस वेले नाल दी नाल ऑन दी श्योरिटी बॉन्ड्स रिलीज़ करता सी फिर जदों चार्ज मानयोग अदालत ने 2019 विच लगाए उदों अदालत विच भी जमानत भरी गई उस तों बाद जिन्ने भी गवाहियां हुई वो असी बेगुनाही अपनी साबित की।